ये यूनिट आपकी सेकंड कंप्लीट हो गई है और अब चलेगी यूनिट फर्स्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप समझेंगे इसी जो सीरीज है उसके बारे में, ये बुक देना। टॉपिक है क्या इसमें ये? फिर भी दे दो यार, नहीं होगा नहीं, मुझे पता है, ऐसा ध्यान है हमें पहले से। कोई नहीं, दे दो इसे लेना। क्या कौन सी बुक है ये तुम्हारे पास? सब कुछ है ना, लेकिन देखो सीरीज के बारे में समझो आप, जो आप 11 12th में पढ़ के आते हैं ना APGP, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक, वो भी एक तरह से क्या है, सीरीज ही है। अब एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है? एपी और जीपी में बस इतना सा डिफरेंस है कि एपी में तो क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है आने वाली टर्म्स का, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं 1 3 5 7, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 2, है ना। लेकिन यहाँ जीपी की बात करें 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, यहाँ देखेंगे जो कॉमन रेशियो है ना वो क्या है, सेम है। 2 से 2 स्क्वायर को डिवाइड करोगे 2 टाइम, 2 स्क्वायर से 2 की डिवाइड करोगे 2 टाइम, तो ये भी एक क्या है, सीरीज है, दोनों ही सीरीज हैं। आप देख पा रहे हैं इनमें जो दोनों सीरीज है ना, इनमें क्या है, एक रूल्स बना हुआ है, उस रूल्स की बात करें तो यहाँ तो डिफरेंस सेम है और यहाँ क्या है, रेशियो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में एपी और जीपी हैं, इनको आप सीरीज तो बोल रहे हैं, तो इनमें क्या एक नियम बना हुआ है, एक रूल्स है इसमें। ऐसे ही कुछ और टर्म्स हों उनमें भी कोई रूल्स हो, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस या रेशियो ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे u n equal to 1 upon 2 plus 2 upon 3 upon 4 plus 5 upon 7 plus 6 plus 7 upon 8, तो देखेंगे आप ये भी तो एक सीरीज हो गई, इसमें भी तो एक टूल्स बना हुआ है 1 3 5 7 और यहाँ 2 4 6 8, या ऐसे कह सकते 1 upon 2 3 upon 4 5 upon 6 7 upon 8, ये भी एक सीरीज है। तो लिखोगे आप, हेडिंग डाल दें सीरीज, ए एक्सपेंशन u1 plus u2 plus u3 plus un, ए एक्सपेंशन u1 plus u2 plus u3 plus un, it's called a series if its terms have a finite rules, लिख दिया ना, आगे लिखें, there are two types of series, पहला रहेगा फाइनाइट सीरीज और दूसरा डालोगे आप इनफाइनाइट सीरीज।
फर्स्ट लिखोगे फाइनाइट सीरीज, सेकंड लिखोगे इनफाइनाइट सीरीज, लिख दिया ना। यानी यहां क्या है, दो तरह की सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, एक तो होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट, अब यहां हम फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दो जो भी होती हैं, इनमें से हम स्टडी करेंगे ओनली इनफाइनाइट सीरीज की। फाइनाइट के बारे में तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए ना, जीपी वगैरह जो भी हैं, एपी एपी जीपी जो भी हो, तो 10th 11th में, ठीक है ना। यहाँ क्या स्टडी करेंगे आप इनफाइनाइट सीरीज की, यानी कोई भी सीरीज होगी तो उसमें कितनी टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, और इसमें डालो फर्स्ट पॉइंट कन्वर्जेंट, नहीं लिखना उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, क्या लिखोगे इसमें जानते हो ना। वैसे ही आपने हेडिंग डाली है अब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इसमें फर्स्ट डालो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, इसमें लिखेंगे इफ सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज फाइनाइट, इफ सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज फाइनाइट, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। और लगा के भी लिख सकते हो आप इसमें, और समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एस एन इक्वल टू s फाइनाइट। R इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन, किसकी बात कर रहे हो, अरे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि डिटेल में पढ़ा L I M I T, ऐसे नहीं लिखोगे, शॉर्ट में ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसे लिख दो, ये हमने थोड़ा अलग बना दिया, तो आप ऐसे लिख दो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। हाँ तो L पता लग रही है ना, बस L ही पता लगनी चाहिए। चलो अब आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना, पूरी पूरी बुक में पूरे यूनिट में ऐसे ही चलेगी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें यहाँ ये कंडीशन ना हो, ठीक है ना। तो देखिए जो ऐसा un है ना, un किसी भी सीरीज की nth टर्म है, ये un क्या है, nth टर्म है। अब इस पर सिग्मा लगा हुआ है तो बोलें सभी टर्म्स का सम कहाँ से कहाँ तक, r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, मतलब टोटल टर्म्स है ना उनका क्या ये सम है, और इस सम को sn कह दें, क्या कह दें, sn, और sn की जब लिमिट लगाएं आप तो वो क्या आ जाए, s आ जाए, तो s क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, तो लिख दो इसको, और में लिख दिया ना, कंप्लीट करो इसको। कन्वर्जेंट सीरीज के बाद में डाइवर्जेंट सीरीज लिख दो उसी में, डाइवर्जेंट जो आपने कन्वर्जेंट लिखी ना उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट कर दो, सम कैसा हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट की जगह क्या कर दो उसमें, इनफाइनाइट,
अरे सीरीज तो रहेगी इनफाइनाइटी, सम जो है ना सम, सम इनफाइनाइट आ जाना चाहिए, सीरीज तो इनफाइनाइट ही रहेगी क्योंकि हम स्टडी इनफाइनाइट सीरीज के लिए कर रहे हैं। हो गया, नेक्स्ट लिखोगे ऑसिलेटिंग सीरीज OSCILLATING ऑसिलेटिंग सीरीज लिखेंगे इसमें, ए सीरीज विच इज नॉट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, विच इज नॉट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग सीरीज। It's called oscillating series. Next heading डालो, convergence of the geometric series. Convergence of the geometric series. इसमें लिखेंगे ए ज्योमेट्रिक सीरीज हुज कॉमन रेशियो आर, आर नहीं एक्स लिखो, ए ज्योमेट्रिक सीरीज हुज ज्योमेट्रिक कॉमन रेशियो इज एक्स, देन पॉइंट फर्स्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, पॉइंट फर्स्ट में लिखो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, इफ माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। सेकेंड डालो सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ, सेकेंड पॉइंट पे लिखो सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन लिख दिया ना। देखिए कोई भी सीरीज आपको दे रखी है, क्या दे रखी हो कोई भी सीरीज, और उस सीरीज में अगर कोई टर्म आप हटा दें या जोड़ दें, या तो आप उसमें से डिलीट कर दो कुछ टर्म्स को, या आप फाइनाइट टर्म्स को, या फिर आप उसमें ऐड कर दो, तो ऐसी कंडीशन में जो सीरीज का कन्वर्जेंस है ना वो चेंज नहीं होता है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो कन्वर्जेंट ही होगी हटाने पर, और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी सीरीज दे रखी हो उसको दो छोटी छोटी सीरीज बना के तोड़ सकते हो, लेकिन वो भी दोनों कैसी रहेंगी, इनफाइनाइट सीरीज रहेंगी। ऐसे ही किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिखना नहीं है इनको, केवल माइंड में सेट रखना है बस, नहीं भी रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे आप आगे एक थ्योरम आती है, लिखोगे इसमें इफ द सीरीज सिग्मा यू एन, इफ द सीरीज सिग्मा यू एन,
इफ द सीरीज सिग्मा यू एन, इफ द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट देन then limit un equal to 0, limit of un equal to 0, un लगा दिया ना, इसका मतलब है यहाँ n tends to infinite. अब देखो इसे प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, let sn be a sequence of partial sum ऑफ सिग्मा यू एन, जो सीरीज है ना समेशन यू एन, इसके पार्शियल टर्म का जो सम है, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सिग्मा यू एन, क्या सॉरी सॉरी सीरीज लिखो, आप सीरीज पढ़ रहे हो ना, SN भी है सीरीज ऑफ पार्शियल सम, डिफरेंस होता है थोड़ा सा वो, अब वो सेकंड ईयर में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे, टेंशन मत करो आ जाएगा, यहाँ सीरीज पढ़ोगे वहाँ सीक्वेंस पढ़ोगे, ठीक है ना, यहाँ सिलेबस में नहीं है. तो ये क्या है SN, जो सीरीज है ना, ध्यान दो, कोई भी सीरीज है समेशन यू एन, समेशन यू एन जो सीरीज है ना उसके, या ये कहें सिग्मा यू एन जो सीरीज है उसके पार्शियल टर्म्स का जो सम है, या आप इसको पार्शियल सम कहो, वो कितना है एस एन, कितना है ये एस एन, जैसे कोई इन्फाइनाइट सीरीज है उसकी कुछ टर्म्स का सम कर दें, स्टार्टिंग की या स्टार्टिंग की छोड़ के कहीं से भी लें, लेकिन एक साथ लें, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से सेलेक्ट की फिर आगे से सेलेक्ट की बीच में छोड़ दिया, ऐसे नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं इम्प्लाइज एस एन इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन, एनथ टर्म है ये यू एन, एन टर्म है ये, एन टर्म का सम है वो कितना है एस एन है, अगर ये एन टर्म का सम एस एन है तो आप इसकी लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एस एन, तो क्या आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी ना s, क्या मान लिया इसको s, अब यह बताओ एस एन की वैल्यू s है, सिंस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन देखो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है ना, कैसी है कन्वर्जेंट, तो अगर आप जितना भी आपने इन टर्म्स का सम किया उनमें से कोई टर्म हटा भी देना तो कन्वर्जेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी चेंजिंग नहीं होता, उतना ही रहता है, अगर हम इसमें से कोई टर्म माइनस कर दें एस एन माइनस वन तो भी ये इतना ही रहेगा रिजल्ट, लेकिन समझो अब आप एस एन इक्वल टू है अपने पास यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, एस एन माइनस वन का मीनिंग है यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन माइनस वन, इससे पहले होगा ना टर्म यू एन माइनस वन, अगर इनको माइनस करें एस एन माइनस वन इक्वल टू, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यू एन, यही तो रहेगा यू एन, नाउ यू एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, लिमिट्स लगाओ इसकी, लिमिट्स एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एस एन माइनस का लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एस एन
कितना ही एस एन का लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एस एन कितना एस और ये भी एस, एस माइनस एस इक्वल टू जीरो, नोट करें। करो इसको कंप्लीट करो। हो गया ना नोट? नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें लिखेंगे आप, एक नोट डाल के लिखेंगे, ए सीरीज सिग्मा यू एन, ए सीरीज सिग्मा यू एन एच डाइवर्जेंट, ए सीरीज सिग्मा यू एन एट डाइवर्जेंट इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, बोर्ड से लिख दो। करो कंप्लीट करो, ये हो गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट सी ओ एम पी ए आर आई, पता है ना? ठीक है, तो नहीं दो दो बार ऐसे पूछ रहे हो ना जैसे पता नहीं हो शायद। लिखो कंपेरिजन टेस्ट में, देखिए आपके लिए सेकंड कंपेरिजन टेस्ट है ना, उसी का यूज होगा और किसी का नहीं होगा। तो लिखोगे इफ सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन, इफ इफ sigma un and sigma vn
सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स and if limit n tends to infinite of un upon vn equal to l not equal to 0 finite not equal to 0 finite then हाँ एल है जो भी लिमिट निकलेगी ना यू एन अपॉन वी एन की वो क्या एल है एल जीरो नहीं आए और फाइनाइट वैल्यू आए ठीक है ना आई हाँ लिखेंगे इसमें देन बोथ द सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट वी चेक इट बाई हाइपर हार्मोनिक टेस्ट वी चेक इट बाई हाइपर हार्मोनिक टेस्ट देखेंगे अब हाइपर हार्मोनिक सीरीज लिखो हाइपर हार्मोनिक सीरीज हाइपर हार्मोनिक सीरीज इसमें लिखेंगे इफ द सीरीज समेशन वन अपॉन एन टू द पावर पी इक्वल टू वन अपॉन वन टू द पावर पी प्लस वन अपॉन टू की पावर पी प्लस वन अपॉन थ्री की पावर पी प्लस वन अपॉन फोर टू द पावर पी प्लस वन अपॉन लिख दो इसको इज कॉल्ड हाइपर हार्मोनिक सीरीज इज कॉल्ड हाइपर हार्मोनिक सीरीज देन पॉइंट नंबर एक सीरीज इज कन्वर्जेंट देन पॉइंट नंबर एक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन देखते ना आपने कॉल्ड हाइपर हार्मोनिक सीरीज और इसके बाद देन पॉइंट नंबर एक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन एंड सेकंड पॉइंट सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल वन इफ पी लेस देन इक्वल वन If p less than equal 1 हो गया ना अब इन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन समझे आप क्या p less than और equal equal भी आएगा अभी कुछ आप फॉर्मूलेज वगैरह देखें कुछ लिमिट्स वगैरह देखें देखिए ये रिजल्ट आपको लर्न करने होंगे आपको पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस और भी टर्म्स होती हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट
वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू वन माइनस एन एक्स प्लस एन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे ही यहाँ वन वन माइनस का एन एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ओके नेक्स्ट होता है यहाँ वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। नेक्स्ट बनता है वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। बोलिए एक्सपेंशन है, हाँ बोलो। अच्छा ये एन नहीं है यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन वन प्लस, वैसे ये सारे एक्सपेंशन आपको पहले भी लिखवा चुके हैं ना, फिर भी चलो रिपीट कर देते हैं। जनरेटिंग फंक्शन में लिखाए थे ना ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू बनता है ये वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस। नेक्स्ट है इसमें इतना हो गया ना, इसके बाद समझें अब आप। लॉग लॉग वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का एक्स क्यू बाई थ्री माइनस का। नेक्स्ट आता है लॉग वन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स क्यू बाई थ्री माइनस का। ओके कुछ और भी वैल्यू हैं, अगर आप लिमिट निकालें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एन की पावर वन बाई एन हो तो ये वन होता है, और ये अगर आप लिमिट निकालें यहाँ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ वन प्लस ए बाई एन टू द पावर एन हो तो ये ए की पावर क्या है ए बनता है। ऐसे ही और भी आप लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन करें तो आप ए की वैल्यू वन रख देंगे, यहाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट है ए पी जी पी में इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन की जो वैल्यू होती है ना वो बनती है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एंड एस एन इक्वल टू होता है ये एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इन जी पी एन जी पी ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन एंड एस एन इक्वल टू ए इन टू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो सम होता है वो बनता है ए अपॉन वन माइनस आर। और एक और वैल्यू आती है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ ऑफ लॉग एन अपॉन एन इक्वल टू जीरो। कंप्लीट करें आप इनको, ठीक है ना, करो इसको कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें, याद ही तो करने हैं ना, करने तो पड़ेंगे ना याद, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना। पता है हमें फिजिकली सेट होने के लिए क्या करना है।
कहेंगे आपको
कंप्लीट करेंगे इसे।